देखिए, मैंने संजय जी का भी बयान सुना। संजय जी ने जिस प्रकार खुल करके सब सारी बातें सामने रख दी हैं और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने संज्ञान में लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका पटाक्षेप वहीं होना चाहिए। घोर अमन, इस तरह के बिहेवियर की सार्वजनिक जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये खुद आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया है। देखिए, सीधी सी बात है कि जाहिर है कि इस मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मैं तो अमित शाह जी से सच सुनना चाहता हूँ, सच सुन ही नहीं पा रहा हूँ, ना उनसे ना प्रधानमंत्री जी से। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक सामाजिक न्याय, बताइए, ये सारे मुद्दे जो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए थे, उस पर अमित शाह जी क्यों चुप्पी साधे हुए? और ये चुप्पी अब आपराधिक लग रही है। पांचवें चरण तक आप सिवाय आसमानी मुद्दों को, जिनका मेरी थाली से कोई सरोकार नहीं है, उन्हीं पर बात कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी कैटेगरी से खुद आते हैं, बीजेपी ने 10 साल रहा और काम किया आरक्षण के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को खत्म करने से कौन सा आरक्षण के लिए काम किया? हेमंत विश्व शर्मा जी को पता नहीं है तो मैं उनको बता दूं, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को भी पढ़ाएं और खुद पढ़ें कि गैर हिंदू समुदाय किस आधार पर आरक्षण है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन, और ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट हमारे बिहार में इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के, ये जो भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सच बताइए, आरक्षण को खत्म कैसे नहीं किया आपने? आपके पूरे 10 बरस में एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई? क्योंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात कर रहा है। आपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अवधारणा को ही खत्म कर दिया, सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेच दिया, तो आरक्षण कहाँ से होगा? ये तरीका है संविधान पे आघात करने का। हेमंत विश्व शर्मा जी, आईना रखिए। उनका एक और बयान आया है कि हम लोग को 300 सीटें मिली तो हम लोग राम मंदिर बनाया, इस पर 400 मिलेगी तो कृष्ण जन्मभूमि और जो यहाँ मस्जिद पे मंदिर है उसको, वो यही सब बोल सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होती अगर वो कहते कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो एक एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। बोल नहीं रहा बंदा, ना इनका बड़ा बंदा बोल रहा है ना छोटा बंदा बोल रहा है। अगर वो ये कहते कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगी, पानी मिलेगा, हर किसान की आय की समृद्धि के लिए हम काम करेंगे, फसलों पे MSP देंगे, ये बातें होती है ना। मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी इस पर चुनाव नहीं होता। दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ के बड़े बड़े ओहदेदार लोग चुनावी मुद्दों पे बात नहीं करते, बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करते। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। बिहार में देखिए क्यों ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि बिहार में सिर्फ ये चल रहा है, नौकरी मतलब तेजस्वी, हम भटक नहीं रहे। संविधान, रोजगार, इस पर है पूरा का पूरा प्रहार। राहुल गांधी कहते हैं कि रायबरेली और अमेठी जो है कि और पार्लियामेंट्री कंसर्न से नहीं है, हमारे कर्मभूमि। सचमुच अगर आप इतिहास देखें तो रायबरेली के साथ जो रिश्ता है वो दशकों पुराना रिश्ता है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से, फिरोज गांधी जी के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से। तो जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उसको नहीं कहिएगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ नैसर्गिक है और इसमें कहीं मतलब दुविधा नहीं है। साजिश बता रहे हैं कुमारस्वामी जी, कुमारस्वामी जी वीडियो वाला मामला है। अब देखिए, इतनी बड़ी चीज के बाद, इतने पीड़िताओं के सामने आने के बाद भी अगर कोई साजिश बोल रहा है तो मुझे शर्म आती है। अपने सार्वजनिक जीवन को हम कहाँ लेके चले गए, इसके मानदंडों को हम कहाँ लेके चले गए? प्रधानमंत्री जी को अब तक उनसे कुछ नहीं सुना मैंने, वही मन से माफी वाला, वो प्रज्ञा ठाकुर वाला एपिसोड फिर चला देंगे, बात नहीं बनती। एक और कंप्लेन हुआ है बंगाल के जो गवर्नर, मैं वही कह रहा हूँ, ओहदेदार लोगों के बारे में, बड़े बड़े पदों पर अगर इस प्रकार की चीजें, त्वरित अनुसंधान होना चाहिए ताकि अगर अगर ये सच है तो उसका निराकरण उस रूप में हो, अगर झूठ है तो उसका पटाक्षेप वैसे हो। शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल को नया नाम दिया है, उनका नाम है अरविंद केजरी करप्शन वाल।
ये बैठ करके चुनावी मौसम है, कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन परेशान तो आप लोग हैं। और शिवराज जी के अंदर की भावना तो ये है कि बीजेपी सत्ता में ना आए, उनको टीस अभी भी है कि उनको किस प्रकार मुख्यमंत्री के पद से बेदखल किया गया।